गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। आज की वीडियो में करने वाली हूँ ह्यूज कुर्ती हॉल। एक कुर्ती हॉल वैसे नहीं कि रेडीमेड और कुछ वैसा। रिसेंटली मैं लोकल स्टोर से बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग की थी। जो अनस्टिच कुर्ता और लाइक सेट के कपड़े आते हैं उसको आपको स्टिच करवाना पड़ता है बाद में, तो वो मैं सोचा कि मैंने बहुत ज़्यादा ही ऐसे लाइक मिंत्रा और वैसे हॉल तो बहुत ज़्यादा ही किया है, बट मैंने कभी आज तक अनस्टिच जो आइटम्स होते हैं उनको हॉल नहीं किया है। तो मैं रिसेंटली गई थी एक स्टोर पे जो कि इसका नाम है नंदा एम्पोरियम, जो कि है उत्तम नगर के नियर बाई है। अगर जो लोग वेस्ट दिल्ली में रहते होंगे उनको माइट भी पता हो, तो बट स्टिल मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी स्टोर के। तो हमने वहाँ से काफ़ी सारे ऐसे कपड़े जो थे ना अनस्टिच्ड क्लॉथ परचेज किए थे, लाइक कॉटन सूट्स के वो डेली वेयर। मैं सोचा कि मैं तो हमेशा लाइक हमेशा स्टिच्ड और रेडीमेड कपड़े ही लेती हूँ मैं, बट उसमें ना इतनी ज़्यादा वैरायटी और इतना अपने लाइक कस्टमाइज नहीं करवा पाते हो। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं कुछ आइटम्स से पिक करूं। फॉर टू लेस वीडियो फर्स्ट आइटम ये वाला जो कि इंडिगो ब्लू प्रिंट कलर का कुर्ता है कॉटन मटेरियल में, और इसके पीछे बिल्कुल चिकनकारी इसका प्लाजो है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा। क्योंकि जनरली क्या होता है प्लाजो इसके कॉटन मटेरियल में प्लेन होते हैं और चुन्नी उनकी होती है चिकनकारी, बट इसका चिकनकारी पूरा आप इसका प्लाजो का कपड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। एंड ये दोनों कलर कॉम्बिनेशन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। एंड जितने भी ये सूट है बेस्ट फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए हैं और ऑफिस गोइंग के लिए तो बिल्कुल ही बेस्ट है। क्योंकि पर्सनली जब भी मैं ऑफिस आती हूँ तो मैं मोस्टली समर्स में कुर्ती शॉर्ट कुर्ती एंड कुर्ता सेट ही वेयर करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है थ्रू आउट द एंटायर डे। कॉस्ट है वो है 1170 रुपीज़। मैंने परचेज किया था कुछ ऑरेंजिश और क्रीम मिक्सचर में सारे, मैंने सोचा कि हर एक कलर का एक ऑप्शन वैरायटी रखती हूँ। मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ना इसमें डियर बने हुए हैं ऑरेंज कलर के। आपको थोड़ा और ओपन करके दिखा देती हूँ। गाइस दिस इज द ऑल ओवर प्रिंट ऑफ द सूट। गाइस दिस इज द प्रिंट, इसमें ऐसे हिरन बने हुए हैं आगे फ्रंट में ही इसका लाइक गला है, एंड इसमें ऑरेंज कलर का पूरे में ऐसे प्रिंट आएगा सूट पे जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ऑरेंज कलर भी लाइक बड़ा पॉप ऑफ कलर है, इतना भी वाइब्रेंट नहीं है कि आप इसको डेली वेयर पे ना पहन सको, बड़ा सटल ही कलर है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके साथ जो चुन्नी है जिसकी वजह से मैंने सूट को बाय किया, क्योंकि उसमें भी ऑरेंज कलर के ऐसे हिरन बने हुए हैं, क्रीम कलर की दुपट्टा विद ऑरेंज हिरन, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये पिक किया। लाइक अगर आप इस पर से डेली वेयर में पहनोगे तो बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है। सी कुछ ऐसा है, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको पिक किया। मम्मी ने भी ऐसा सेम कलर का सूट पिक किया है, बट जहाँ जहाँ ऑरेंज कलर के डियर बने हुए हैं वहाँ पे उनका येलो कलर का प्रिंट का प्लाजो भी कुछ बेज कलर का ही है। इसका जो कॉस्ट है वो 1210 रुपीज़ है। ग्रीन कलर का सूट, ये मेहंदी ग्रीन कलर का सूट है जिसके आगे हल्की सी ऐसे पैटर्न और डिटेलिंग हो रखी है। इसका जो दुपट्टा है वो शिफॉन मटेरियल में बिल्कुल हल्का, अगर आप इसको कैरी करो ना करो आपके ऊपर है, बट ये बहुत ज़्यादा ही हल्का है तो आप इसको वेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये ऑल ओवर प्रिंट का कुर्ता है। इसका जो पैंट है वो भी सेम कलर में ही है। मोस्टली ना मैं नीचे प्लाजो पैंट से बनाती हूँ लाइक कुर्तियों, प्लाजो पैंट से मुझे अच्छा लगता है। ऑल ओवर सूट जो कि है ये प्रिंटेड ब्लू और रेड कलर का, ये मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा स्पेसिफिकली फॉर बिकॉज ऑफ द बॉर्डर। ये ना इसका बॉर्डर कुछ आएगा जब आप पहनोगे ना इसको, तो नीचे बॉर्डर में आएगा ये वाला, और ये नीचे रेड कलर का इसका प्लाजो पैंट्स है। लिटरली जब मैं इसकी बिलिंग करवा रहे थे ना, बहुत सारे लोग जो काउंटर पे खड़े थे वो पूछ रहे थे यार ये आपने सूट यहीं से खरीदा, ये कहाँ से खरीदा, हमें भी आना चाहिए। तो जितनी भी आंटियाँ खड़ी थी तो वो ऐसा बोल रही थी, तो पर ये एक ही आइटम बचा था तो मम्मी ने वाला पिक किया, उनको काफ़ी अच्छा लगा लाइक डेली वेयर के लिए। इसका भी अगेन कॉटन मटेरियल है एंड लुक एट द प्रिंट विच इज़ वेरी लाइक यूनिक सा है। तेल की चुनी है, समर्स के लिए समर में कैरी करने के लिए काफ़ी अच्छी है। लाइक ऐसा हो रहा था दोनों तरीके का इसमें प्रिंट हो रखा है ऐसा। लाइक ये ब्लू कलर का इसका प्रिंट बॉर्डर का है एंड बीच में से पूरी चुनी ऐसी है इसकी। प्राइस है गाइस वो है 1170। एक और सूट खरीदा था जो कि वो बोल रही थी कि कॉलेज डेज में वो बहुत ज़्यादा ही पहनती थी। इनफैक्ट जब मेरी मासी को मम्मी ने दिखाया था वो भी बोल रही थी कि यार ऐसे तो सूट हम कॉलेज टाइम पे पहनते थे। लाइक उस टाइम के प्रिंट्स अभी भी इन लाइक फैशन में है और आजकल तो विंटेज फैशन बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है। तो ऐसा कुछ तो इनका कुछ ऐसा सूट है येलो कलर का, मस्टर्ड येलो कलर का, और इसका जो नेक पे पैटर्न आएगा वो कि रेड कलर का नेक पे पैटर्न आएगा। ये अगेन बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट इजी बीजी कपड़ा है और मम्मी को लाइक रेड और मस्टर्ड कलर का पैटर्न जो होता है ना कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। इसकी जो चुनी है कॉटन मटेरियल की बिल्कुल उसको बानी प्रिंट काइंड ऑफ है, ये ऐसा इसका प्रिंट है रेड कलर का विद येलो फ्लावर्स,
और इसका जो नीचे ट्राउजर का है कलर पैटर्न वो ऐसा है। इसका जो कॉस्ट है वो 880 रुपीज। मैंने पिक किया था वो जो कि है टर्कोइज ब्लू में विद वाइट कलर का इसमें पैटर्न हो रखा है, लाइक लेस लगा हुआ है, जो कि कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा इसका। मैं आपको आगे से पूरा प्रिंट दिखाती हूँ इसका। इसका कुछ आगे से ऐसा प्रिंट है, लाइक नेक पे भी ऐसा कुछ पैटर्न आएगा एंड पीछे से पूरा ऐसे वाइट एंड ब्लू कलर का इसमें कॉम्बिनेशन का प्रिंट हो रखा है। इनफैक्ट इसके जो बॉर्डर बनेंगे नीचे की साइड उसमें भी ऐसे वाइट लेस लगा हुआ है। इसका जो दुपट्टा है अगेन कॉटन मटेरियल, ऑलमोस्ट सबके जो दुपट्टे हैं वो कॉटन मटेरियल ही है, लाइक ऐसे वाइट और ब्लू कलर का एंड प्लाजो से सिमिलर है इसका। तो लाइक स्पेसिफिकली हमें ना ऐसे ये आगे का प्रिंट ज़्यादा अच्छा लगा था, लाइक इसमें बटन्स का जो वर्क हो रखा है वाइट लेस जो बना हुआ है ना ये ज़्यादा अच्छा लगा था। तो जो प्राइस था वो 390 रुपीज़ है। तो हमने पिक किया जो कि है लाइलैक कलर में, अगेन फेवरेट कलर जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसमें ना आगे जो नेक पे बड़ी जैसे शाइनिंग हो रही है, किसी कैमरे में भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा शाइन सा मार रहा है। और इसका मुझे कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक और वाइट का भी काफ़ी अच्छा या यूनिक सा लगा, ऐसा कुछ है भी नहीं, इनसे मिलता भी नहीं है। और इसका जो प्लाजो है ये पोलका डॉट है इसमें वाइट कलर की, जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा है। ये लाइक ना बहुत लाइक जब मैंने पुरानी मूवीज़ में देखा है जो पोलका डॉट वाले आउटफिट्स आते थे ना, जो वाइट पे ब्लैक पोलका डॉट्स आते थे वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे लगते थे। तो इसमें ऐसे कुछ वाइट में पर्पल कलर का डॉट है प्लाजो में और इसका दुपट्टा वही इजी पीजी सा पर्पल और वाइट थ्रेड वर्क का इसका दुपट्टा। एक ह्यूज कुर्ता पीसेस हॉल। कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट आइटम इसमें कौन सा था एंड आप किस टाइप के आगे हॉल देखना चाहते हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।